सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। और कितनी देर तक काम करोगे भाई? रात के 2 बज रहे हैं, यू नो दैट? बस थोड़ी देर और। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा है। हाँ, टीबी ने उसके दोनों फेफड़ों को और शराब ने उसकी आंतों को बुरी तरह से गला दिया है। उसके जिस्म में बस इतना खून है जिससे वो जिंदा रह सके। बता, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम ऐसे केसेस लेती क्यों हो? और क्या करती? उसके घर वालों ने मेरे पैर पकड़ लिए। उन्हें यकीन है मैं उसे बचा लूंगी। मुझे लगा उनके यकीन और मेरी मेहनत से किसी मरते हुए इंसान को नई जिंदगी मिल जाए। मेरे लिए ऐसी अच्छी बात और क्या हो सकती है? एनीवे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे उस पेशेंट के साथ है। थैंक्स। कम सुन। बस मुझे किरण को कल के ऑपरेशन के बारे में कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं। वो देकर मैं अभी आती हूँ। ओके। अच्छा, तुम जाते हुए सलोनी को चेक करना। अगर वो नहीं सो रही है तो उसे सोने के लिए कहना, क्योंकि कल उसे कॉलेज जल्दी जाना है। अच्छा? ओके मैडम, एज यू से। विद यू, कम सुन। ओके। हेलो। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। सिया, नहीं था कि इस ऑपरेशन के लिए 5 घंटे लगेंगे। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। कांग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन कामयाब रहा। आपके बेटे को सुबह तक होश आ जाएगा। जुग जुग जियो बेटा, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। भगवान मेरी भी उम्र तुम्हें दे दे। कैसी बातें करती हैं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, बचाओ बचाओ।
क्या बात है लता, इतनी घबराई हुई क्यों? दीदी ऑपरेशन कामयाब रहा ना? हाँ ऑपरेशन कामयाब रहा, बहुत लंबा था ना इसलिए थोड़ा थक गई। हाँ। ये सब पर्दे क्यों बंद कर रही है? पर्दे? हाँ बहुत तेज हवा चल रही है ना और बारिश भी आने वाली है इसलिए। हाँ। दीदी दया पर्दे बंद कर देगा, आप पहले खाना खा लीजिए। खाना? हाँ खाना। नहीं नहीं खाना नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। हाँ दया तुम जब सोने जाओ तो चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद करके रखना। जी मैम साहब। अच्छे से लॉक करना। हाँ पांडू काम हुआ? काम हुआ भाई, पर क्या? एक लफड़ा हो गया भाई, उस छोकरे को खलास करते टाइम एक मैडम ने हमें देख लिया, विटनेस हो गया भाई। साला एक काम भी तुम लोग ठीक से नहीं करता। अरे उस मैडम को टपकाने लगा था। कोशिश तो किया था भाई लेकिन वो साली भाग निकली, पर हमने उसका घर देख लिया भाई। ये राम कहानी अपन को नहीं सुनने का, तू जाके उस मैडम को टपका वरना कल को पुलिस तेरे को टपका डालेगी, समझा? समझ गया भाई। तो सुन अपुन ये नंबर आज खलास करे लाया है, कल अपुन तेरे को नए नंबर से फोन करेगा, समझा? समझ गया भाई। लता क्या बात है? हाँ क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं जरूर कोई बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बोलो क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, मैं डर गई, डरावना सपना देखा ना इसलिए। और तुम एक काम करो, तुम पानी पियो प्लीज, पानी पियो। हाँ मैं लेती हूँ। मैं लगे नहीं, नहीं। तुम आराम करो, मैं ले लेती हूँ, आराम करो तुम। श्योर? श्योर। जाओ जल्दी से पी के आओ पानी। किसी ने तुम्हारी दीदी पर कातिल हमला किया था। Oh my God, दीदी तुम ठीक हो ना? हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमें। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं रुक जाओ, अभी नहीं बाद में। Thank you.
तूने जो कुछ भी देखा है भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। अगर पुलिस को या किसी को कुछ भी बताया तो बाकी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा, समझी? जीजू, किसका फोन था? किसका फोन था? किसी का नहीं। तुम जाओ और चुपचाप से जाकर सो जाओ। नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। तुम किसी को फोन नहीं करोगी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ। जिसको भी फोन करना होगा मैं करूंगी। लेकिन मैं फोन क्यों नहीं कर सकती? कुछ गड़बड़ है, आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे? Shut up, I'll go to sleep. जिस किसी ने भी तुम पर हमला किया वो तुम्हें जान से मार देना चाहता था। अभी अभी उसने फोन पर कहा कि तुमने जो कुछ देखा है वो भूल जाओ, वरना बाकी बची हुई सारी गोलियां मैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। किसी को भी, यहां तक कि पुलिस को भी फोन करने की कोशिश की तो भी। कौन है ये लोग? बात क्या है लता? ऐसा क्या देख लिया तुमने? प्लीज बताओ।
morning, everybody. Good morning. I'm Inspector Vijay. I'm Dr. Ashwin. I know that. By the way, आपको यहाँ किस? मैंने फोन किया था. आइए इंस्पेक्टर. जी, आइए इंस्पेक्टर. जी, रात को दीदी यहाँ खड़ी थी जब उसने अटैक किया. पिताजी, क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? वेल इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि वो कोई चोर था, कोई मामूली चोर. हमारे जाग जाने की वजह से कहीं वो पकड़ा ना जाए, इस डर के मारे फायर करके भाग गया. आप लोग इस शहर के नामी गिरामी डॉक्टर हैं. आपके नर्सिंग होम का भी नाम काफी मशहूर है, मिस्टर अश्विनी. हो सकता है किसी ने शायद आपसे फिरौती की रकम वसूल करने के लिए कांड किया हो. नहीं इंस्पेक्टर विजय, ऐसा नहीं है. वो एक मामूली चोर था और यहाँ चोरी के इरादे से आया था. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ, हाँ कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. विजय, हम आपसे क्या छुपाएंगे और क्यों छुपाएंगे? हम दोनों आपसे कह चुके हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, तो फिर आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? खैर, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में से किसी की जान को कोई खतरा है, तो आप लोग मुझसे पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकते हैं. आई विल गिव यू. थैंक्स इंस्पेक्टर विजय, हमें किसी भी तरह के पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन दीदी, आप इंस्पेक्टर विजय की बात क्यों नहीं मानती? तो चुप कर. स्ट्रेंज, वाकई में स्ट्रेंज लगता है. इस शहर में छोटी छोटी बातों पर लोग पुलिस प्रोटेक्शन मांगते हैं और यहाँ पे तो गोली चली है. खैर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मैं आप लोगों के संपर्क में रहूंगा. टेक केयर. मिस्त्री, लेट्स गो. मिस्त्री, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है. क्या मतलब सर? मतलब ये कि फायरिंग किसी चोर ने नहीं की है. ये आप कैसे कह सकते हैं सर? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिस्त्री, ये .22 की गोली है और ये पिस्टल किसी मामूली चोर के औकात नहीं कि वो इस पिस्टल का इस्तेमाल करे. सर, चोर लोग भी आजकल एडवांस हो गए हैं, लगता है ये पिस्टल चोरी की होगी. Use your common sense, मिस्त्री. अगर किसी चोर के पास रिवॉल्वर होगी और वो किसी के घर में होगा, तो वो खाली हाथ तो कभी नहीं लौटेगा. That's the point, sir. फिर ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं. Why they are lying? Why they are lying? Hello. हाँ, ज़्यादा बोलो. What? कहाँ? ठीक है, ज्यादा हम लोग पहुंच रहे हैं वहां. यू बी देयर. ऑलराइट. सर, लगता है इसका मर्डर यहीं पे हुआ है क्योंकि खाली बुलेट लाश के आसपास ही मिले. लाश की शनाख्त हुई? नो सर, कुछ पता नहीं चला. इसकी जेब खाली है, लगता है लूटपाट का केस है. मिस्त्री, ये रास्ता जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच जुड़ता है और इसके दोनों चौराहे पे हमारे डिपार्टमेंट की पुलिस चौकी मौजूद है. उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं कि कितनी गाड़ियां रात को आती हैं और जाती हैं, पूरे दिन की गाड़ियों का रिकॉर्ड होता है. तुम ऐसा करो, शर्मा से कहो कि मुझे उस सारी गाड़ियों के रिकॉर्ड चाहिए जो यहाँ से गुजरी हैं. यस सर. मिस्त्री, इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो. कल सुबह के अखबार में इस लाश की तस्वीर छपनी चाहिए. यस सर. एंट्री रजिस्टर दिखाओ मुझे. ये है रजिस्टर जिसमें शायद इनकी एंट्री होती है. ये है टोकन रोक जिसके डुप्लीकेट पर हर गाय का नंबर पड़ा होता है. नहीं सर, बात क्या है? रात को यहाँ से दूरी पर एक मर्डर हुआ है. ये दोनों चीजें तुम्हें शाम तक मिल जाएंगी. ठीक है सर. ओके. Stop!
बोलो मिस्त्री, क्या हो, कुछ पता चला? कुछ पता चला सर, बहुत कुछ पता चला। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक मरने वाले की मौत करीब रात को 10 बजे हुई। उस समय वहाँ से एक मोटर बाइक पास हुई जिसका नंबर रजिस्टर में दर्ज नहीं है। उसके बाद वहाँ से एक पीले रंग की कार गई सर। किसी की कार? वो कार डॉक्टर लता की, और उसकी रही ये रिसिप्ट जो इंस्पेक्टर शर्मा ने दी। और सर ये रही दूसरी फाइल। मिस्त्री, लास्ट पर जो गोली चलाई गई थी वही गोली, सेम गोली, आई मीन 0.22 मिथेन, डॉक्टर लता के बेडरूम से मिली थी। यस, उस हत्या का डॉक्टर लता से कहीं ना कहीं कोई बहुत गहरा ताल्लुक है मिस्त्री। आई एम वेरी श्योर कि डॉक्टर लता से गहरा ताल्लुक है उस हत्या का। 0.22, वेरी गुड मिस्त्री।